45 में तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर और ये डीएक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो बताओ खुद से सोचो किसको टी लेना चाहिए। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर है तो टेन वाले टर्म को टी लेना चाहिए ना, क्योंकि सेक स्क्वायर को टी लोगे तो 2 sec x tan x आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें टेन एक्स को टी लेना चाहिए, यानी कि ये पूरा टर्म टी ले लो, 1 माइनस टेन एक्स को आप टी लेट कर लें। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, टेन का सेक स्क्वायर एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, डी टी अपॉन माइनस का सेक स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन एक्स को आपने टी लिया है तो ये टी स्क्वायर, तो ये कट गया, माइनस को बाहर कर दो तो 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी आएगा। चेक करो, इतना वीडियो को पॉज कर दो, खुद से इसकी कैलकुलेशन करके देखो, यही आ रहा है ना। तो माइनस ये बन गया टी की पावर माइनस टू, अब एक्स की पावर एन का फॉर्म लगाओगे तो एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो माइनस ये हो गया टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1 बाई टी आ गया प्लस का सी, टी की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस का टेन एक्स, तो ये आंसर आएगा। चेक कर लो, समझ में आया, 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी आएगा आंसर। तो 25th का ये हो गया, 26 देखते हैं।